न्यू टॉपिक इज कंपेयरिंग डेसिमल्स। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपेयरिंग डेसिमल्स? तो ये वैसे ही जैसा हमने कंपेयरिंग करा था फ्रैक्शंस को, ठीक है, वहां पे भी हमने क्या करा था, कंपेयर करा था, बट वहां पे हमने एक चीज करी थी कि हमने लाइक फ्रैक्शन बनाया था देन कंपेयर करा था, बट यहां पे हम लाइक फ्रैक्शंस भी बनाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए हमें बताना है व्हिच इज ग्रेटर, इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इसके पोजीशंस के अकॉर्डिंग लिखेंगे कहां पे कौन सी वैल्यू क्या पोजीशन है। जैसे 1, तो 1 इज ऑलरेडी एट 1 प्लस, ओके। नाउ 0, 0 बाय 10, इसकी पोजीशन क्या है, 10 है, बट यहां पर क्या है, 0 है। देन 9 बाय 100, बट इसके लिए अगर हम बात करें यार, तो देखो यहां पर क्या है, 1 प्लस 0 बाय 10 प्लस 9 बाय 100 प्लस 3 बाय 1000, ये है। अब अगर हम दोनों में कंपेयर करें जाए, तो 1, 10 एंड 100, ये तीनों पोजीशन तो दोनों में सेम है, यहां से यहां तक तो पूरा सेम है, बट इस वाले के साथ एक 1000th पोजीशन इज ऑलरेडी एडेड, यहां पे एक 1000th पोजीशन ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा डेसिमल इन दोनों में बड़ा हुआ, obviously 1.09 is less than 1.093, ये वाला जो फ्रैक्शन है, सॉरी ये वाला जो डेसिमल है, ये बड़ा होगा। कैसे पता चला आपको, क्योंकि यहां पे सिर्फ क्या है, 100th प्लेस तक है वैल्यू, बट यहां पर कौन सी पॉइंट है, 1000th प्लेस है, इसलिए ये वाला जो फ्रैक्शन है, सॉरी डेसिमल जो है, ये बड़ा है, ठीक है। इसी के ऊपर बेस्ड हमारी पूरी एक्सरसाइज है 8.3। Let us start our new exercise 8.3, जहाँ पे आपको और अच्छे से clear हो जाएगा। Now, we have question. Question number 1, which is greater? इनमें कौन सा बड़ा है? So, first हम क्या करेंगे, इसको इनकी positions के according लिखना चालू करेंगे। Simply हम क्या करेंगे, decimals हटाएंगे, ठीक है? अब देखो 0.3 है, ठीक है? इसका मतलब क्या है? ये तो होगी 10th प्लस, और यहाँ पर भी क्या है? ये भी 10th प्लेस पर है, 4/10, ओके। अब यहाँ पर देख लो, दोनों का डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम है, यहाँ पर सिर्फ एक ही हमारे पास प्लेस है, वो है 10th प्लेस, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, ऑब्वियसली 0.4 जो है, सॉरी 4 जो है बड़ा है 3 से, तो फ्रैक्शन भी कौन सा बड़ा हो जाएगा, ये फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 0.3 लेस देन 0.4, ओके। नेक्स्ट 0.07 एंड 0.02, यहां पर भी देखा जाए तो दोनों 100th प्लेस पर है, इजी हो जाएगा कंपेयर करना, डेसिमल हटाएंगे हम, ठीक है। अगर देखो यहां पर 0.07 है, यहां पे हमने क्या करा, डेसिमल हटाया, नीचे आ गया 100, और 0.02 डेसिमल हटाया, नीचे आ गया 100, 7/100 एंड 2/100, डिनोमिनेटर सेम है, दैट मींस लाइक फ्रैक्शन है, ठीक है, 7 बड़ा है 2 से, सो व्हिच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, दिस वन, सो अपना डेसिमल कौन बड़ा हो गया, 0.07 जो है बड़ा है 0.02 से। नेक्स्ट सी 3 और 0.8, 0.8 को आप कैसे लिख सकते हो, 8/10। अब देखो यहां पर तो एक होल नंबर है, होल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन अ डेसिमल, होल नंबर हमेशा बड़ा होता है डेसिमल से, तो ये तो सिंपल हो गया आपके लिए, 3 इज ग्रेटर देन 0.8, यहां पे कंपेयर करना ही नहीं आपको, पता है होल जो है, होल नंबर वो हमेशा बड़ा होता है किसी भी डेसिमल नंबर से, सो 3 इज ग्रेटर देन 0.8, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, ओके। नाउ सी D1, यहां पर भी हम इसको उसी फॉर्म में लिखेंगे, 0.5 रिमूव डेसिमल राइट हियर 10 एंड 0.05 रिमूव डेसिमल राइट हियर 100, सो 5/10 और यहां पर क्या है, 5/100। अब देखो इन दोनों में कौन सा बड़ा है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बहुत सिंपल सा है, यहाँ पर कोई 10th प्लेस है क्या, नहीं, डायरेक्ट 100th प्लेस है, तो आपको पता है
डेसिमल में हम जैसे ही डेसिमल से जितना दूर जाते हैं वैल्यू इतनी छोटी होती जाती है। ठीक है, जब वैल्यू छोटी होगी तो क्या होगा, ये वैल्यू और छोटी होगी किससे, टेंथ प्लेस से। सो यहाँ पर कौन बड़ा होगा, दिस वन। या फिर आपके पास एक और तरीका है इसको चेक करने का, आप क्या करो, लाइक फ्रैक्शन बना लो। लाइक फ्रैक्शन बनाना मतलब इजी हो जाएगा। ठीक है, अब लाइक फ्रैक्शन किसे बनाएंगे, यहाँ पे एक और स्टेप बढ़ जाएगी बस। हमें लाइक फ्रैक्शन बनाना है, यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से, बिकॉज़ 10 10 इज 100। सो देखो क्या हो जाएगा, 5 बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। हमने सिर्फ क्या कोशिश करी, लाइक फ्रैक्शन बनाने की कोशिश करी है। ठीक है ना, लाइक फ्रैक्शन दैट मींस डिनोमिनेटर सेम। देखो क्या बन गया, ये 50 बाय 100 और 5 बाय 100। अब यहाँ पर आपको कंपेयर करना इजी हो गया, सो ऑब्वियसली 50 इज मच मच ग्रेटर देन 5, सो दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर। ओके, हम यहाँ पे लिखेंगे 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05। सिमिलरली दिस वन, देखो अब यहाँ पर थोड़ा सा इजी, क्योंकि यहाँ पे एक होल नंबर है आपके पास। ओके, सो 1 प्लस 2 बाय 10 प्लस 3 बाय 100 और 1 प्लस 2 बाय 10। अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो यहाँ से 1 एंड 2 बाय 10 ये वाला पोर्शन पूरा सिमिलर है, बट इसके पास क्या है, 100 पोजीशन भी है। 100 पोजीशन है दैट मींस 1.23 इज ग्रेटर हुआ। हम यहाँ पे सिंपली कंपेयर कर दिया हमने, यहाँ पे लिख देंगे 1.23 इज ग्रेटर देन 1.2, बिकॉज़ इसके पास एक 100 पोजीशन ज्यादा है। नेक्स्ट वन देखो, नेक्स्ट वन में क्या करेंगे, चलो इसको भी हम क्या करते हैं इसी फॉर्म में लिख देते हैं, 0 बाय 10 प्लस 9 बाय 100 प्लस 9 बाय 1000 और 1 बाय 10 प्लस 9 बाय 100। अब देखो इसके पास 10th पोजीशन तो है ही नहीं, ठीक है, बट इसके पास 10th पोजीशन है, बाकी इसके बाद अलावा कुछ हमें देखना ही नहीं है। जिसके पास 10th पोजीशन नहीं है दैट मींस वो तो ऑलरेडी छोटा हो गया, एंड इसके पास 10th पोजीशन है दैट मींस ये बड़ा हो गया। अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर तो क्या है, जीरो है, बट यहाँ पर वन है, इसलिए यहाँ से ही चेक हो जाएगा, आगे हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, देखने की जरूरत नहीं। चलो कंपेयर भी कर लेते हैं एक दफा। सो 9 बाय 100 9 बाय 100 ये भी क्या हो गया, सेम हो गया। यहाँ पे 9 बाय 1000 ज्यादा है, एक पोजीशन ज्यादा है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसके पास इनिशियल पोजीशन ही नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0.099 इज लेस देन 0.19। यहाँ पर 10th पोजीशन नहीं है बट इसके पास 10th पोजीशन है, इसलिए ये वाला जो फ्रैक्शन है डेसिमल है ये बड़ा है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर हम इसको भी स्टेप से करें तो देखो कैसे करेंगे, ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसी क्वेश्चन को एक और कौन सा तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, 0.5 और 0.05 था हमारे पास। ठीक है, इनकी पोजीशंस यहाँ पर क्या है, 10th पोजीशन है और यहाँ पे 10 पोजीशन मिसिंग है, बट यहाँ पे कौन सी है, 100 पोजीशन है। जब इसके पास 10th पोजीशन ही नहीं है दैट मींस ये फ्रैक्शन क्या है, छोटा है, और इसके पास 10 पोजीशन है। सो डेसिमल के पास अगर ये देखो हमारा डेसिमल 1 2 3 4, तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सा, डेसिमल के बाद की बात कर रहे हैं, जो इमीडिएट आफ्टर द डेसिमल होती है वो सबसे बड़ी होती है, देन फिर छोटी, देन फिर छोटी। तो ये तो जस्ट इमीडिएट आफ्टर डेसिमल है, सो हमारा क्या हो जाएगा, 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको पहले लाइक फ्रैक्शन बनाओ देन कंपेयर करो। ठीक है, चॉइसेस इज योर्स, दोनों ही करेक्ट है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। सी हियर, हियर इज 1.5 और 1.50, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पहले इनकी पोजीशन लिख लेते हैं, 1 प्लस देन इज अ 10 प्लस और 1 प्लस प्लस 10 प्लस
जीरो है। अब जीरो बाय हंड्रेड क्या होता है, जीरो ही होता है, ठीक है। इसको लिखना ना लिखना बराबर ही, तो हम इसको नोट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम नोट भी करेंगे तब भी जीरो बाय हंड्रेड क्या होता है, जीरो ही होएगा। ये पूरा टर्म क्या हो गया, जीरो हो गया, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप लिखते भी हैं तो आप फिर इधर भी पढ़ा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो दोनों जगह क्या हो गया, बराबर बराबर टर्म है। सो 1.5 इज इक्वल टू 1.0, ठीक है। आप चाहें सर आपने यहाँ पे निकाला, ठीक है चलो मैंने कर देता हूँ यहाँ पे 100। तो बेटा मैंने आपको बोला था डेसिमल के बाद आप कितने भी जीरो लगा सकते हो, आप चाहे तो यहाँ पे 10,000 जीरो लगा दो, 10,000 इधर भी लगा दो, वैल्यूज में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आपको यहाँ पर भी 0/100 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0/100 क्या होता है, जीरो ही होता है, इसलिए हम यहाँ पर इसको शो नहीं कर रहे, ठीक है। सो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, 1.5 इज इक्वल टू 1.50। टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड योर होमवर्क जी H, I एंड J, दीज आर द होमवर्क टू यू, ओके। और कुछ है क्या, नहीं बस ये 3 क्वेश्चंस है, ऐसे ही आपको कंपेयर करना है, पोजीशंस के अकॉर्डिंग आपको कंपेयर करना है, ठीक है। इस टाइप से आप पोजीशन में लिखेंगे देन उनको इजीली कंपेयर करना है, ओके। टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट, थैंक यू, आवर एक्सरसाइज इज फिनिश्ड हियर।